तो गाइस सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉर 2 और बॉर्डर 2 एक साथ रिलीज हो सकता है, लेकिन भाई ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन से पंगा, उनके फिल्म के साथ क्लैश लेना बहुत ही ज़्यादा डेंजर काम है। तो ऐसे में आ चुका है बॉर्डर 2 का रिलीज डेट, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्पाई यूनिवर्स में जो कि आलिया भट्ट का फिल्म आने वाला है उसमें क्या ऋतिक रोशन होंगे कि नहीं होंगे, इस बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो गाइस पहले बात करते हैं बॉर्डर 2 के बारे में। तो बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट कल के दिन हो चुका है। फिल्म में सनी देओल और आयुष्मान खुराना लीड रोल में होंगे। फिल्म का रिलीज डेट आ चुका है जो कि है 23 जनवरी 2026। जी हाँ दोस्तों, 2026 के रिपब्लिक डे पे रिलीज होगा फिल्म। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि क्या आलिया भट्ट के फिल्म में ऋतिक रोशन होंगे कि नहीं होंगे, तो भाई मुझे तो ये अपडेट मिला ही नहीं, आप लोग को पता नहीं कहाँ से मिल गया। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई भी खबर नहीं मिला है। अभी ऐसा कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है कि आलिया भट्ट के फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो रोल रखा गया है या फिर ऋतिक रोशन उस फिल्म में नज़र आएंगे। अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। आपने जहाँ से भी ये अपडेट के बारे में सुना है वो सारा रूमर्स है भाई। आगे कोई अपडेट आता है इसको लेकर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।